जब से बीमार हुए हैं पूरा चेहरा देख लो मेरा कितना कमजोर हो गया, एकदम पतले हो गए। मतलब इस फोन के अंदर हम आते नहीं थे, इतने चौड़े थे, है ना। अब मेरे घर में अमरूद रखे हुए हैं और मूली, इतनी सारी इतनी फ्रेश मूली रखी है, पर हम खा नहीं सकते क्योंकि जहां हमने खाया तो अभी मेरे खांसी एकदम खुल के नहीं आ रही है, कुत्ते जैसी खांसी आ रही है, खौँ खौँ करके साफ आ ही नहीं रही है। तो मूली भी नहीं खा सकते हैं और अमरूद भी नहीं खा सकते हैं, दोनों चीजें में ललचा रही है। मेरी नजर बार बार जा रही है अमरूद के ऊपर जा रही है और मूली के ऊपर भी जा रही है, पर हम खा नहीं सकते। हमने अपने मामू की लड़की से कहा ले आओ, और जो है क्या नाम है, ये तो इतनी सी है लेकिन बहुत सही रखी है। अपने मामू की लड़की से कहा ले आओ, मूली को काट के गर्म कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है उसको खाते हैं, पर वो लड़की ने नहीं सुना। वही है कि मामू की लड़की ने नहीं सुना। अब ये है कि या तो आज हम उस मूली को काट के गर्म करके खाएंगे, मतलब वो कहते नहीं हीटर वाला नहीं है जो थोड़े को कोने में दिखता है, वो हीटर को रख के उसी के सामने मूली रख देंगे, मूली गर्म हो जाएगी, भले उसकी तासीर ठंडी है गर्म ये तो नहीं पता है, लेकिन खाएंगे। आज 8 दिन से ऊपर हो गया है हम नहाए नहीं है क्योंकि पानी से डर लगा, इतना तेज बुखार सर्दी वाला, कप 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 कांप रहे थे, पूरे घर की रजाई अपने ऊपर डाल ली थी, फिर भी सर्दी कम नहीं हुई। दवा से खैर आराम आया है, पर आज कई दिन से नहीं नहाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, पानी छूने से डर लग रहा है, एकदम हालत खराब है, बुरी तरह से बज्जर वाला बीमार पड़े, बज्जर वाला हिल गई तबीयत। और कोई ज्यादा शो ऑफ भी ना दिखाए, ज्यादा सर्दी को लेके उड़ा उड़ा ना फिरे, कह रहे एंजॉय कर रहे, सही एंजॉयमेंट निकल जाए। हम ये भी बात सोच रहे हैं कि जल्दी से जो है क्या नाम है तबीयत में सुधार हुए और हम नहाए, क्योंकि बाल मेरे खुले हैं और उलझ रहे हैं। अभी मामू की लड़की से बोलेंगे कि मेरे बाल सुझा दो और चोटी बांध दो, लेकिन ये कि जल्दी से शैम्पू भी करना है, नहीं तो ये ना हो कि कहते नहीं कि कोई चीज़ को काफ़ी दिन के लिए खुला छोड़ दो या ऐसे ही छोड़ दो तो लोग सोचते इसका कोई वो क्या बारिश नहीं है तो कब्जा कर लो। तो वही है कि अगर शैम्पू ना किया तो कहीं गंदगी ये ना समझ ले कि इस सर का कोई वारिस नहीं है और अपने वारिस वारसा सब छोड़ के मेरे सर के ऊपर चले जाए, यानी कि बहुत सारे जुए हुए पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाए मेरे लिए। तो हमें शैम्पू भी करना है कि जल्दी से हम शैम्पू करें और मेरे सर को आराम आ जाए। डर सबसे ज़्यादा यही लगता है क्योंकि गंदगी जहाँ अभी होती है जुए तो वहाँ चल देते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए, 8-8 दिन हो गए मेरे सर नहीं धोया, तो सर भी धोना है। खाना ढंग से खाया ही नहीं है कि एक भी दिन। मेरा यही कहना है भैया सर्दी से बचो, खूब सारा अपना ख्याल रखो और मौका लगे मतलब कुछ काम ना हो बस रजाई में पड़े रहो, कहीं ना जाओ बस रजाई में रहो। नहाने की भी कोई कसम नहीं है कि ना कोई फर्ज है कि नहाओ, पाक रहो लेकिन मत नहाओ। अगर इतना तुम्हारे पास बूता है तो गर्म पानी करके नहाओ, ठीक है, लेकिन बचो सर्दी से। बहुत तगड़ी भी सर्दी पड़ रही भैया, मेरा घर देख लो एकदम चूल्हा वो लकड़ी जला जला के एकदम पूरा घर कोयला भट्ट हो गया है। हम तो बीमार पड़ के झेल गए बुरी तरह से, अब बस जो है जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर अपना दिमाग चलाए। मेरे सर्दी की वजह से मेरा दिमाग भी जाम हो गया, मतलब एक भी लाइन समझ नहीं आती है कि लाइन समझ आए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए ना बनाए, पूरा दिमाग ही मेरा भट्ट हो गया। लोग कहते हैं मेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो मेरे पास बहुत है पर हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी बात ये।